हेलो फ्रेंड, नमस्कार, वेलकम बैक इन योर वेल डॉक्टर चैनल में। गाइस, हम बताने वाले हैं टिटनेस के इंजेक्शन के बारे में, टिटनेस का टाइम ड्यूरेशन ओनली। आई होप आप सब लोग जानते होंगे टिटनेस होता कैसे है, और एक कंफर्म चीज़ मैं करा देता हूँ आपको कि हर चोट के लिए टिटनेस इंजेक्शन नेसेसरी नहीं होता। जैसे कि घर में चाकू से लग जाए सब्जी काटते समय, या घर में ऐसी कोई चीज़ से लग जाए जिसमें जंग नहीं है या साफ सुथरी है, तो ऐसी चीज़ों के लिए टिटनेस इंजेक्शन नेसेसरी नहीं होता। दूसरी बात, अगर आप लगवाना चाहते हैं तो सेफ्टी पर्पज़ से बहुत अच्छी बात है। अगर टिट्टी आप लगवाना चाहते हैं तो सेफ्टी पर्पज़ से आपके लिए बहुत अच्छा है, एंड आपको सेफ्टी पर्पज़ से लगवा लेना चाहिए। क्यों? अब मैं यहाँ पर सेफ्टी पर्पज़ की बात कर रहा हूँ, तो सेफ्टी पर्पज़ से क्यों लगवा लेना चाहिए? देखिए, सेफ्टी पर्पज़ से इसलिए लगवा लेना चाहिए क्योंकि होता क्या है, जब भी आपको कट लगता है, जब भी आपको भूड लगता है, उस टाइम पर आपकी स्किन वहाँ से ओपन हो जाती है। स्किन ओपन यानी कि वहाँ से एक एक ट्रैक्ट बन गया, एक कह सकते हैं कि वहाँ से एक जगह हो गई जिसके द्वारा बैक्टीरिया आपके बॉडी में इजीली जा सकता है। इसलिए सेफ्टी पर्पज़ से आपको लगवा लेना चाहिए। देन अब हम बात करते हैं कि इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है। टाइम ड्यूरेशन देखिए, कई वीडियोस में बताया गया है कि सो मेनी टाइप्स की वीडियोस अपलोडेड हैं ऑलरेडी, और बताया भी गया है कि ये टाइम ये टाइम ये टाइम। तो मैं यहाँ पर आपको कन्फर्म ये टाइम बता देता हूँ कि इस टाइम पर टीटी लगवा लीजिएगा चोट लगने के बाद। यानी कि मान लीजिए अभी आपको चोट लग गई, अभी से 48 घंटे जब चोट लगी उस टाइम से लेकर के 48 घंटे के अंदर अंदर आपको टीटी लग जाना चाहिए। नियम ये है, रूल्स ये, 48 घंटे के अंदर अंदर अगर आपको टीटी लग जाता है तो टीटी का इन्फेक्शन या अदर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। दूसरी बात, मान लीजिए आप अगर 48 घंटे के बाद टीटी लगवाते हैं तो उसमें क्या होगा? देखिए, उसमें क्या होगा, 72 घंटे का टाइम ड्यूरेशन फिर से रहता है। अगर 72 घंटे के अंदर लग जाता है और इन्फेक्शन ऑलरेडी उसमें नहीं है तो आपको बहुत अच्छी बात है, टिटनेस नहीं होगा। मान लीजिए आप 72 घंटे के बाद लगवा रहे हैं और टिटनेस उसमें ग्रो कर चुका है, टिटनेस का जो बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रिडियम टिटिनाई वो उसमें ग्रो कर चुका है, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, फिर टीटी लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आई होप आप लोगों ने समझा होगा कि किस तरह से टीटी लगवाना चाहिए। अब हम बात करें कि बात आती है टाइम ड्यूरेशन की, कि कितने दिन तक काम करता है टाइम ड्यूरेशन। यानी कि मान लीजिए आपको टिटनेस अभी लगा है, और डिपेंड करता है कि टीटी इंजेक्शन कितने दिन काम करता है, कौन सा इंजेक्शन आपको ऑलरेडी वैक्सीनेट हुआ है। नॉर्मली जो इंजेक्शन होते हैं वो 3 मंथ तक काम करते हैं। जैसे अभी लगा, आज आपने इंजेक्शन लगवाया, अगले नेक्स्ट 3 मंथ के लिए आपको इंजेक्शन नहीं लगवाना। दूसरी बात, जो टीडैप इंजेक्शन लगवाते हैं वो 10 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के लिए वैक्सीनेशन ऑलरेडी प्रोटेक्ट करता है। जो टीडैप इंजेक्शन होते हैं, वैक्सीन होते हैं, 10 ईयर्स के लिए ऑलरेडी प्रोटेक्ट करते हैं। यानी कि अगर टीडैप वगैरह किसी को लगे हैं तो इंजेक्शन लगवाने की 10 साल 5 साल तक आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात, बच्चों में कब इंजेक्शन लगवाना चाहिए? तो बच्चों का ऐसा है, अगर रेगुलर उनका ऑलरेडी वैक्सीनेशन हुआ है तो आपको टीटी लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन आप पीडियाट्रिक डॉक्टर से कंसल्ट एक बार जरूर कर लीजिएगा। सो गाइस, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।